की तो लापरवाही थी वो, और जो आयोजन कराया उनकी सबसे ज्यादा कमी थी। जब पता थी कि इतने लाखों की भीड़ जुड़ेगी तो आयोजन कराने से पहले प्रशासन को सूचित किया जाता, प्रशासन को बुलाया जाता कि हमारे यहाँ इतनी भीड़ आई, 80,000 के पहुंचे, वहाँ 2-2.5 लाख पहुंची है। तो प्रशासन की तो ढील है इसमें। जो आयोजन कराया कमेटी वालों ने उससे सबसे ज्यादा ढील है। जब दलदल तो हो रहा था तो मट्टी नहीं डलवाई उन्होंने, पानी भरा हुआ था हल्का हल्का उधर। लेकिन आयोजन कमेटी के जितने लोग हैं, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और आधे लोग तो फरार हैं, तो इसमें ये भी लग रहा है मुझे किसी का हाथ जरूर है। ऐसा कभी हुआ नहीं जो यहाँ हुआ है। नहीं, ऐसे घटनाएं तो बहुत हुई है जहाँ पे कभी धार्मिक आयोजन में। सर आपने खुद देखा है, ऐसी मौतें नहीं हुई जो पैरों से एकदम बच्चे को और इतनी लेट से पैरों से खुंद खुंद के मौतें हुई उनके, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। और यह सबसे मैंने यही है कि प्रशासन होता और तो हो सकता है ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि हमने 80,000 लोगों को परमिशन दिया, जो आयोजन करता थे वो 3 लाख लोगों को बुला लिए, 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि बाबा जी का जो सेवादार जो हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। उनका सिस्टम है वो दूसरे लोगों की एंट्री तो नहीं। प्रशासन ने ये कहा था कि 80,000 लोगों की परमिशन दी है, तो उसी दौरान जाके देखते आयोजन को रुकवा देते बीच में। क्यों नहीं रुकवाया अपने आयोजन, उनने 80,000 लोगों की अनुमति दी थी तो वहीं तुरंत रुकवा देते आयोजन को, खत्म कर देगा 80,000 लोग ही करेंगे यहाँ, परमिशन कैंसिल कर देते, फिर क्यों कराया आयोजन जब 80,000 लोगों को दिया था। अब जो ये सरकार काम कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है, वो किस कैसा लग रहा है आपको सरकार? सबसे पहले तो ये झूठ बोला जा रहा है कि 121-122 लोग मरे, वहाँ हजारों की तादाद में लोग मरे, 500-600 तो मैंने देखा है मेडिकल में जाकर। और मेडिकल जब मैं पहुँची हूँ तो वहाँ इतनी कंडीशन ख़राब थी कि वहाँ कोई डॉक्टर तक मुझे दिखाई नहीं दिया, सारी मौत ही पड़ी थी, मुद्दे ही पड़े थे सब, वहाँ कोई धना दूरी नहीं था। अगर हो सकता है एक आध का ट्रीटमेंट होता तो इतनी ये वो भी नहीं होती, वहाँ भी कोई वो नहीं था हॉस्पिटल। यही सवाल आपसे ही पूछ रहे हैं कि देखिए हम लोग रिपोर्टर आ गए, नेता जिनका जैसे जैसे राजनीतिक जिनका प्रतिभागी है जो आपके आसपास वो आ गए, लेकिन क्या बाबा या उनके लोग आए आपके आपसे मिलने, आपको सांत्वना देने, आपकी समस्या सुनने? जिस बाबा की खातिर जिनकी जान गई उसने ये भी नहीं देखा कि आज मेरे भक्त मेरे चरणों मर गए। अगर वो भगवान को तो सब कुछ पता होती है, भगवान तो उसके ना होने के कारण तो मोबाइल से पूछता, फोन करता या फिर मेडिकल जाता, कुछ तो करता, वो तो गाड़ी लेके चला गया। वो तो बाबा नहीं है, ढोंगी कहूँगी मैं तो, जो जितने इनकी जान ले गया। उसके आयोजन में तो गए थे या 2-4 किलोमीटर दूरी पर एक्सीडेंट हो जाता, बस वगैरह पलट जाती, गोली चल जाती, झगड़ा हो जाता, तो मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराती। उनके चरणों में भक्त मर रहे हैं तो उन्हीं की वजह से तो मर रहे हैं, मैं कैसे नहीं कहूँ वो बाबा नहीं है, वो ढोंगी है मेरे भगवान। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बाबा नहीं ढोंगी है, हम लोग भी कह रहे हैं कि बाबा नहीं ढोंगी है, लेकिन उनके अभी भी कुछ भक्त हैं जो बोलते हैं कि वो चमत्कार। एक सवाल कहा था अभी, एक सवाल पर एक साल पहले ये शब्द कहा था अपने प्रवचनों में कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, घटना होती है, तो परमात्मा का सहारा लो। जब मैंने सुनी थी तो मैंने यही कहा, प्रभु तुम दुनिया में हो, तुम्हारे सत्संग में दोष लग जाएगा। तो मेरी तो सुनी नहीं उनने, मेरे भतीजा मेरी भाभी एक्सपायर हो गई। अच्छा, आप भी जाती थी उनके सत्संग में? जी हाँ, मैं भी जाती थी। तो ये जो मंत्र वो देते हैं और वो कहते हैं कि कोई चाय पिलाते हैं, किसी को अभी हैंडपंप जहाँ लगा है उसके पानी पीने से, ऐसा कुछ नहीं है वो तो, ऐसा हम लोग इसीलिए पूछ रहे थे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि बाबा जिनका कुछ जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा, वो अब आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं, इस तरीके की व्यवस्था होती है, तो फिर बाबा का क्या होना चाहिए, उनकी भूमिका? वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारा नारायण से संवाद है, नारायण साकार हरि। तो कल कहाँ चले गए थे, परसों नारायण हरि 2 तारीख को कहाँ चले गए थे परमात्मा? इतने मौत हो गई कहाँ चले गए थे, तब नहीं थे? और ऐसा लग रहा है, मैंने ये भी नहीं देखा, प्रथम मंगल जो होता है ना, जब भी होता है तो उसमें
3-4 बजे तक प्रोग्राम चलता है, मैंने खुद किया है अपनी आंखों से देखा है। और परसों 2 तारीख को तो ऐसा कर दिया कि 1:30 बजे उनने समापन कर दिया। कुछ ना कुछ तो है, ये मुझे ऐसा शक है। 12:30 बजे गए, 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे समापन कर दिया। कुछ तो राज है, अगर वो भगवान होते तो ये कह देते यहाँ कोई घटना होने वाली है, या भगवान को तो सब कुछ पता होती है, अल्लाह क्या नहीं जानता उनसे क्या छिपा हुआ है। और उसे इतना कुछ पता होने के बाद भी अपना तो तेज लग रहा है, उसने ये सोचा कि मेरी जनता मेरे चरणों में आई है, इसका क्या हाल हो रहा होगा, ये भी तो सोचता। पुलिस कह रही है कि FIR बाबा का कोई रोल नहीं है, मीडिया हम लोग कह रहे हैं कि बाबा कहाँ है, पूरा देश खोज रहा है कि बाबा कहीं नहीं है। मैनपुरी जो आश्रम बना हुआ है कोविड में, जो कमेटी के माध्यम से बनाया है, वो बाबा उसी में अंदर। तो पुलिस उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है जब ये अच्छा तो जिम्मेवारी बाबा की है? आपको लगता है आपका परिवार चला गया? चूंकि मैं आपको उकसाने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे परिवारों के घर में हम लोग गए जिनके माँ नहीं, जिनकी पत्नी नहीं, तो सवाल इसलिए पूछना चूंकि भक्ति में कहते हैं ना कि भक्त बड़ा आस्था बड़ी चीज है, जब हम लोग तर्क देते हैं तो हम ही लोग पर तो सवाल उठते हैं। खुद कहा था ये शब्द, अगर कोई वो होती है तो हरी का सहारा लो, तो वो भी तो हरी थे, हमने तो सहारा लिया, मगर मुझे तो उस दिन कोई सहारा लगा नहीं। अगर मैं ये भी सोच लेती कि 1,000 मरे तो इनमें 100 में 10 ही जिंदे कर देते तो मैं मान जाती कि हाँ भगवान है, तो मैं छोड़ती भी नहीं वो भगवान। जीवन मरण तो फिर भी समझ में आ रहा है, उसके बाद बाबा कहाँ है, इस तरीके से जीवन मरण समझ में आ रहा है इस तरीके से? बावजूद इसके जैसे आपके आसपास के लोग आपके यहाँ आए, जो होनी है उसको नहीं टाला जा सकता, लेकिन उनके कम से कम आके पूछते तो कि क्या स्थिति है, नहीं है तो हम करें जिम्मेवारी किसकी बनता है? अभी कोई भी लगा प्रेमी हो या भाई किस कोई रिश्तेदार हो वो ही पूछ लेता है, मगर उनको पूछना था कि मेरे भक्त किस तरीके से मरे, क्या हुआ मेरे जाने के बाद, उनकी कमेटी के अनुसार जिनने आयोजन कराया उनके भक्त जो मैन होते हैं संग रहते हैं गाड़ी वाले, किसी ने कोई अभी तक सूचित नहीं किया ना फोन किया। बाबा ने एक चिट्ठी निकाल दी और कहा कि हम अपने भक्तों की बड़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो जो AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील है ना, उसको अपने कब्जे में कर रखा है, मैंने अच्छे से देखा, वो उनकी तरह बोलता है AP सिंह जो वकील है। कहता है कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके भक्त चाहते हैं कि बाबा दोषी हैं, कसूरवार हैं या नहीं है? नहीं, बाबा दोषी तो है ही है, उसमें दौरान जो आयोजन कराया प्रशासन को नहीं वो आया, तो उसकी सबसे बड़ी कमी रही, अगर प्रशासन आता तो ये कंडीशन नहीं होती वहाँ पर। अच्छा देखिए, यहाँ जब मीडिया आती है या कोई नेता आ गए, सगीर साहब आ गए या राहुल गांधी आ गए, कोई और आ गए, तो लोगों को लगता है कि जानबूझकर उनके परिवार वालों को उकसाते हैं हम लोग जिनका परिवार चला गया। आपको लगता है कि ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, जिसका परिवार गया उससे पूछो उसके दिल से क्या बितरी है, कोई भी आ जाए क्या मेरे भतीजा मेरी भाभी लौट के आ जाएगी, मेरा बेटा मेरा प्यारों से खुद खुद के मर गया, मुझे इसी बात का दुख है, बीमार होता तो मुझे एहसास नहीं होता इतना, या कोई मार देता मैं उसे जरूर कुछ ना कुछ करती, अब मैं किससे क्या कहूँ। आप लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया कि भाई जिम्मेवारी किसकी है? लोग तो पुलिस कर रही है कि कोई क्या कर लेंगे बेटा जी, हम क्या कर लेंगे, किन्हीं पे मुकदमा दर्ज करा हमें, तो हमारी बहू और हमारा बेटा मिल लो है वो। लेकिन अम्मा ये बताओ, ये जिनके आगे मत्था टेके, जिनको भगवान जैसा माना, तो उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है, हम लोग ये पूछ रहे हैं। जिम्मेवारी जब बता रही ना कि उसने कुछ पूछा ही नहीं, तो उसे हम क्या ढूंढे, जो आप प्रशासन को नहीं मिल रहा वो नहीं किसी को मिल रहा, हम लोगों को क्या मिल रहा। प्रशासन तो कह रहा है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं, FIR ही नहीं है, तो हम कैसे पकड़े उनको? अरे बापा कहाँ मुकदमा करेंगे हा? अरे बापा हम कहाँ मुकदमा करें, हमारे करे तो का है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो आयोजन कराया वो सबसे ज्यादा हराम को लिख रहे, जो उनके मेन गेट पे ही रंगोली हुई थी और गाड़ी लिख रही, उसके काफिला जाने के बाद में वहाँ गड्ढा था, वो मिट्टी डरवानी थी, पता ही के लाखों करोड़ों की संगत आती है, उन्हें सब कुछ पता थी, आयोजन कराने वाले की गलती और प्रशासन नहीं आया सबसे बड़ी गलती ये हुई, और नहीं जनता मरती नहीं इस तरीके से, किसी का हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, सर फट जाता, मगर इस तरीके से एकदम मरते चले जाना ये कोई तरीका नहीं है मौत का आना, मैं नहीं मान सकती इस बात को। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कैसे आदमी प्रशासन कार्रवाई करे जिनके खिलाफ आप भागवत